वेलकम स्टूडेंट। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, जबकि ग्राफ ऐसा बताया गया ओ से ए लिनियरली है, ए से बी कांस्टेंट है और बी से सी लिनियरली है। डिटरमाइन द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग द जीरो एक्सेलरेशन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 6 सेकंड, ये हमको सब बताना है। पहले हम बात कर रहे हैं O से A लीनियर वेरिएशन है, A से B कांस्टेंट है और B से C, तो आइए बोर्ड पे चलिए और सीखिए किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आपको इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना होगा। तो देखिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो गया इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। सेकंड क्वेश्चन कहा गया मैक्सिमम स्पीड अचीव बाय द कार, तो बढ़ती 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 स्पीड 20 पे गई, 20 के बाद वापस 20 तक रही। ए पर मैग्नीट्यूड बात करें 20 मीटर पर सेकंड, बी पर बात करें 20 मीटर पर सेकंड, तो जीरो से 20 होना, 20 से वापस से फाइनली जीरो हो जाना, तो मैक्सिमम स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में द पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। देखो ए बी पार्ट के लिए ए और बी पर स्पीड सेम है, तो एक्सेलरेशन ए बी के लिए निकाल के देखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 20 माइनस 20, यहां से यहां बी की बात करें 6 सेकंड, 6 माइनस 3 तो ये आ जाता है जीरो। अब नेक्स्ट कहा गया द पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग द कांस्टेंट रिटार्डेशन। अच्छा रिटार्डेशन मतलब मैं बता चुका हूं कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बात करते हैं मतलब टेन थीटा बात करते हैं, तो टेन थीटा जो बताता है वो एक्सेलरेशन बता रहा होता है। थीटा लेस देन जब 90 होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो टेन थीटा जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो टेन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाती है। देखिए यहां पे देखते हैं हम थीटा लेस देन 90 इस वाले पोर्शन में, देखो ए बी लाइन इस एक्सेस के पैरेलल है, थीटा जीरो, और ये देखिएगा थीटा ग्रेटर देन 90, ये वाला पोर्शन लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव, ये वाला जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और ये ग्रेटर देन 90 मतलब रिटार्डेशन। आखिरी बोला गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड, फर्स्ट 6 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको और हमको बताना है। तो फर्स्ट 6 सेकंड में देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, फर्स्ट 6 सेकंड में ग्राफ बन रहा है ऐसा कुछ इस तरह से 0 to 6, ये आपके पास 20 अवेलेबल है, ये आपके पास 3 है, 6 माइनस 3 आ गया 3, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो एरिया आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आंसर आता है 90 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आंसर विल बी 90 मीटर। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव